हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्माइल प्लीज पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 2 का ईवीएस सब्जेक्ट, जो कि लेटेस्ट सीबीएसई बोर्ड से लिया गया है। इसके अलावा आपको क्लास 2 के किसी और सब्जेक्ट की जानकारी चाहिए तो उसका सिलेबस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। क्लास 2 के अलावा और भी सारे सब्जेक्ट का सिलेबस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो उसका भी लिंक आप जरूर चेक करें। तो आइए वीडियो को लंबा नहीं करते और शुरू करते हैं क्या क्या पढ़ना है एनवायरमेंटल स्टडीज क्लास 2 में। तो ये दो सेमेस्टर में लिया गया है बुक, दो बुक मिलेंगे बच्चों को। सेमेस्टर 1 में फर्स्ट चैप्टर है अबाउट मी में सेंटेंस अबाउट योरसेल्फ, तो बच्चों को इसमें सेंटेंस मेकिंग करना है अबाउट देमसेल्फ। फिर बच्चों को इसमें बताया जाएगा सेम एंड डिफरेंट, इन मेनी वेज वी आर सेम लाइक टू आईज वन नोज बट डिफरेंट लाइक शॉर्ट हेयर ब्राउन एंड ब्लैक आईज। तो बच्चों को बताया जाएगा कि सारे बच्चे एक ही जैसे होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स एक ही जैसे होते हैं, इन मेनी वेज लाइक सभी के टू आईज होते हैं वन नोज होते हैं, बट सारे बच्चे डिफरेंट भी होते हैं क्योंकि एक दूसरे से वो डिफरेंट दिखते हैं। लाइक किसी के शॉर्ट हेयर होते हैं, किसी के लॉन्ग हेयर होते हैं, किसी के ब्राउन आईज होते हैं, किसी के ब्लैक आईज होते हैं। ये था चैप्टर नंबर 1, जिसमें बच्चों को खुद के बारे में जानने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 2 है हाउ माई बॉडी वर्क्स, इसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड व्हाट दे हेल्प अस टू डू, ये बच्चों को बताया जाएगा। इसमें इंटरनल ऑर्गन्स भी बताए जाएंगे बच्चों को, जो कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा, बहुत लंबा नहीं होगा। और इसमें इंटरनल ऑर्गन्स में ब्रेन, लंग्स, हार्ट एंड स्टमक के बारे में बताया जाएगा। थर्ड नंबर चैप्टर है माई बॉडी नीड्स फूड, फूड फ्रॉम प्लांट्स, इसमें बच्चों को बताया जाएगा क्या क्या प्लांट से फूड मिलते हैं, जैसे बनाना, एप्पल, पोटैटो एंड टोमेटो। फिर फूड फ्रॉम एनिमल्स, तो एनिमल्स से हमें मिलते हैं जैसे काऊ से हमें चीज एंड मिल्क मिलता है, गोट से हमें मीट एंड मिल्क मिलता है, हेन से हमें एग्स मिलते हैं। फिर इसके अलावा वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस की भी जानकारी बच्चों को दी जाएगी कि वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियन के फूड में क्या डिफरेंस होता है। फोर्थ नंबर चैप्टर है माई फैमिली, इसमें अबाउट फैमिली एंड फैमिली ट्री बनाना है बच्चों को, जो कि क्लास 1 में फैमिली ट्री बनाने के लिए आया था। फिर फैमिली टाइम क्यों इम्पोर्टेंट होता है ये बताया जाएगा। फिफ्थ नंबर चैप्टर है पीपल हु हेल्प अस, तो इसमें कम्युनिटी हेल्पर्स एंड देयर इम्पोर्टेंस बताई जाएगी, जो कि क्लास 1 में भी था, क्लास 2 में भी है। सिक्स नंबर चैप्टर है आवर नेबरहुड, नेबरहुड में जो ऐसे प्लेसेस होते हैं जो कि हमारे पास होता है और हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है बताई जाती है। प्लेसेस इन आवर नेबरहुड लाइक मार्केट, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, बैंक, पार्क, पोस्ट ऑफिस। सेवेंथ नंबर चैप्टर है फेस्टिवल्स, इसमें बच्चों को नेशनल डेज एंड रिपब्लिक डेज बताया जाएगा कि नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं, नेशनल डेज क्या है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, इसके अलावा अदर फेस्टिवल्स भी बताया जाएगा, जैसे कि दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपुरब। इसमें बच्चे को बताया जाएगा कि क्या करते हैं फेस्टिवल्स में, छोटा छोटा कॉलम है इसका भी। फिर आते हैं सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 2 का फर्स्ट चैप्टर है प्लांट्स अराउंड मी, इसमें पार्ट्स ऑफ प्लांट बताया जाएगा बच्चों को, जैसे रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर। फिर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, इसमें ट्रीज एंड श्रब्स बताए जाएंगे बच्चों को। यूजेज ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स का यूज बच्चों को बताया जाएगा कि खाने में यूज होता है, मेडिसिनल वैल्यूज प्लांट्स के हैं, फिर उसके अलावा कैसे इन्वायरमेंटल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 है द एनिमल वर्ल्ड, इसमें वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में बताया जाएगा। थर्ड नंबर चैप्टर है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट बताया जाएगा, जैसे कि एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है। फोर्थ नंबर चैप्टर है आवर अर्थ, अर्थ इज कवर्ड विद लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड में जैसे होता है प्लेन, हिल और माउंटेन एंड डेजर्ट, ये लैंड में आता है। इसके अलावा है वाटर, तो वाटर जो हमारे अर्थ पे है उसमें आता है ओशियन, रिवर एंड लेक। एयर, इम्पोर्टेंस एंड केयर ऑफ एयर बताया जाएगा इसमें बच्चों को। फिर फिफ्थ नंबर चैप्टर है हमारा टाइम, टाइम में बच्चों को रीडिंग ए क्लॉक बताया जाएगा, तो उसमें क्लॉक देखने के लिए बताया जाएगा बच्चों को। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट रूटीन भी बताया जाएगा कि मॉर्निंग में बच्चे क्या करते हैं, आफ्टरनून में क्या करते हैं एंड व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू इन नाइट एंड इवनिंग टाइम।
फिर सिक्स नंबर चैप्टर है द सीजन्स। सीजन्स में बच्चों को बताया जाएगा समर, मॉनसून, मॉनसून को रेनी सीजन भी बोलते हैं, एंड विंटर। ये तीनों सीजन ही मेन बताया जाएगा बच्चों को। फिर उसके अलावा कुछ जैसे वर्ड्स बताए जाएंगे, विंडी, क्लाउडी, सनी एंड रेनी। सेवन्थ नंबर चैप्टर है हाउ द व्हील वॉज इन्वेंटेड। इसमें बच्चों को इन्वेंशन जानना है व्हील का, कि कैसे वो बना था। हाउ द अर्ली ह्यूमंस लर्न टू मेक द व्हील, कैसे जो पुराने लोग थे, आदि मानव थे, तो वो कैसे यूज करते थे सामान लाने के लिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे कैसे इवोल्यूशन हुआ और व्हील बना, उसकी अच्छी सी स्टोरी बना के बच्चों को बताई जाएगी।